पंजाब कांग्रेस में भले ही हाईकमान ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर खींचतान को खत्म मान लिया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। पंजाब कांग्रेस के कैप्टन बनने के बाद भी सिद्धू के तेवर नरम नहीं दिख रहे हैं और उनके कैंप की ओर से लगातार सीएम अमरिंदर सिंह पर हमला जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से मांग की गई थी कि सिद्धू को आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर माफी मांगनी चाहिए। इस पर सिद्धू कैंप ने उल्टे सीएम पर ही हमला बोला है कि माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जनता के वादे पूरे नहीं किए हैं। वहीं जलंधर कैंट के से विधायक और सिद्धू के करीबी नेता परगट सिंह ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह माफी की बात कर रहे हैं। यदि किसी को माफी मांगनी ही चाहिए तो वह सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो जनता से किए गए वादों को पूरा करने में असफल रहे हैं। इस बीच कई ऐसे भी विधायक हैं जो अब तक अमरिंदर सिंह खेमे के माने जा रहे थे लेकिन अब सिद्धू के करीबी होते दिख रहे हैं। ऐसे में एक विधायक तृप्त राजेंद्र सिंह वाजपा ने कहा है कि सीएम अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट्स को नजरअंदाज करना चाहिए जैसे उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा के साथ किया था। वहीं बाजवा ने 3 दिनों अमरिंदर सिंह सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कई पत्र लिखे थे। वहीं विधायक मदन लाल जलालपुर ने भी सीएम अमरिंदर सिंह को सलाह दी कि वे बड़ा दिल दिखाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को माफ कर दें। अमरिंदर सिंह से मुलाकात के बाद जलालपुर ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को माफ करना चाहिए। अमरिंदर सिंह महाराजा का बड़ा दिल है और यह दोनों के साथ मिलकर काम करने का वक्त है। कहा जा रहा है कि बीते शनिवार को पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात के दौरान कैप्टन ने याद दिलाया था कि सिद्धू ने उनके खिलाफ करीब 150 ट्वीट्स किए हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।